वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कॉपी का सफ़ा नंबर 10 पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने तारीख डालनी है, लफ्ज़ बनाइए और लिखिए। आज हम लफ्ज़ बनाएंगे और लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्या है? चार हरूफ अल्फाज। जब हरूफ आपस में मिलते हैं तो अल्फाज बनाते हैं। जिन अल्फाज में चार हरूफ हों वो अल्फाज चार हरूफ अल्फाज कहलाते हैं। आज हम चार हरूफ अल्फाज को मिलाएंगे। बा एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ बा अलिफ बा, ज एक हरूफ मिलाकर अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ ज अलिफ जा। आइए हम इसे मिलाते हैं। बा जा। प एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ प अलिफ प, त एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ त अलिफ त। आइए हम इसे मिलाते हैं। पाता। प अलिफ प त अलिफ त पाता। ज एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ ज अलिफ जा। त एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ त अलिफ ता। इसे मिलाएंगे हम। हमने इसे मिलाया और इसे चार हरूफ अल्फाज बनाया। ज अलिफ जा, त अलिफ ता जाता। ट एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ ट अलिफ टा। ट एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ ट अलिफ टा। ट अलिफ टा, ट अलिफ टा टा टा। च एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ कितने हरूफ? दो हरूफ। च एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ कितने हरूफ? दो हरूफ। मिलाएंगे इसे। च अलिफ च, च अलिफ च, चा चा। इसी तरह बा एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ बा अलिफ बा। ब एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ ब अलिफ ब। आइए इसे मिलाते हैं। ब अलिफ ब, ब अलिफ ब बा बा। च एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ च अलिफ चा। ट एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ ट अलिफ टा। आइए इसे मिलाते हैं। चाटा। च एक हरूफ, ट एक हरूफ मिलाकर चाटा। प एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ प अलिफ पा। इसी तरह प एक हरूफ, अलिफ एक हरूफ मिलाकर दो हरूफ प अलिफ पा। इसे आइए इसे हम मिलाते हैं। प अलिफ पा, प अलिफ पा पा पा। इसी तरह आपने अपनी कॉपी में भी काम करना है, आगे आपने ख़ुद से मुकम्मल करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।